सत श्री अकाल पीटीसी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाड़े नाल कावी बब्बर ते देश परदेश दीआं कुछ अहम खबरों की शुरुआत कर लैने आ फटाफट अंदाज दे नाल। चोण नतीजों तो पहला तेज हुई सियासी हलचल। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह दे नाल कीती मुलाकात। कैप्टन शाह विचाले एक घंटे तक चली मुलाकात। मीटिंग तो बाद कैप्टन का दावा सिर्फ पंजाब के आम हालातों उत्ते हुई है चर्चा। जो नतीजों से नहीं हुई कोई भी गलबात। यूक्रेन संकट विचाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दे नाल कीती गलबात। दोहां अगुआं विचाले ताजा हालातों उत्ते चर्चा भी हुई। भारतीयों के रेस्क्यू उत्ते भी हुई गलबात। नरेंद्र मोदी ने ज़ेलेंस्की विचाले 35 मिनट तक गलबात चली। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के नाल भी गल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस के वलों यूक्रेन के चार शहरों के सीज़फायर का ऐलान। कीव, खारकीव, मारियोपोली ते सूमी के सीज़फायर। जंग विच फसे लोगों नूं बाहर कढ़ने लई रूस ने रोके हमले। रूस की फौज ड्रोन नाल रखेगी नजर। यूक्रेन दे विच गोलीबारी दे विच जख्मी दिल्ली के नौजवान की वतन वापसी। अज हरजोत सिंह पोलैंड तो मिशन गंगा तहत लिया जा रहा है भारत। कीव दे विच जंग विचाले हरजोत सिंह दे वची सी गोली। हरजोत दे नाल होरना विद्यार्थियों नूं भी लिया जा रहा है मुल्क दे विच। रूस दा वनतिस्तिया एयरपोर्ट उते हमला। हमले दे विच एक यूक्रेनी नागरिक की मौत भी हुई। ओडेसा दे विच रूस दा मिजाइल नाल हमला। रूसी फौज वलों खारकीव दे विच। रूस दे रक्षा मंत्रालय ने कीता वड्डा दावा। यूक्रेन दे सारे लड़ाकू जहाज कीते गए नष्ट। पोलैंड ने यूक्रेन नूं लड़ाकू जहाज देने तों कीता इनकार। रूस ने गुआंढी देश वुकेरिया दे पिंड धनवादी जैसमीन यूक्रेन तों सुरक्षित परती कर। जैसमीन दा परिवार ते पिंड वासियां ने जोरदार स्वागत कीता। जैसमीन 4 साल पहला यूक्रेन की राजधानी कीव विच मैडिकल की सिक्ख्या लैण लई गई सी। जैसमीन मुताबिक यूक्रेन में जिथे वह रह रही थी उतों की 300 मीटर की दूरी उत्ते 24 घंटे बमबारी हो रही थी। जैसमीन ने सरकार को अपील की कि सारे बच्चों यूक्रेन तो सुरक्षित वापस लिया जाए। यूक्रेन के लोगों की मदद लई पहुंच रहे लोग। डेनमार्क तो कविता उजड़े परिवारों की कर रही है मदद। मैडिकल सहायता करवाई जा रही है। भारत पाकिस्तान सरहद उत्ते पाकिस्तानी ड्रोन नष्ट। BSF ने BOP 30 जैमल सिंह का जैमल सिंह तबाह किया। BSF की 103 बटालियन अमरकोट से की गई कार्रवाई। घटना वाली थां तो 4 किलो 410 ग्राम हैरोइन बरामद हुई। इलाके दे विच सर्च ऑपरेशन भी जारी। BBMB दे विच पंजाब की पक्की नुमाइंदगी खत्म करने का मामला पकिया। किसानों वालों पंजाब भर के किए जा रहे ने रोस मुजहरे। जिला हैडक्वार्टर उत्ते किसान जथेबंदियों के वलों लगाए जा रहे हैं धरने। केंद्रीय फैसले खिलाफ आवाज की जा रही है बुलंद। लुधियाणा हवालाती वलों खुदकुशी। थाना सलेम टाबे शक्की हालात में लाश मिली। शख्स नूं लुटखो दे मामले दे विच पुलिस ने कीता सी काबू। पुलिस रिमांड उत्ते चल रहा सी हवालाती। पुलिस ने मामले उत्ते चुप वटी। कीरतपुर साहिब विखे 2 लोगों नूं अणपछाते वाहन ने मारी टक्कर। हादसे विच 1 शख्स की मौत 1 होया जख्मी। मोगा पुलिस ने लुट की झूठी वारदात का किया पर्दाफाश। मोगा बरनाला हाईवे उत्ते पैंदे भारत पेट्रोलियम पंप के मद्देनजर ने रची गई सी लुट की साजिश। मलोट नेड़े थाना कबर वाला पुलिस ने पिंड गुरुसर योधेके विखे 1 शख्स नूं घर दे विच पोस्त की खेती करने के इल्जाम तहत किया गिरफ्तार।
बीते दिन अमृतसर के खासा विखे बीएसएफ हेडक्वार्टर में हुई गोलीबारी दौरान मारे गए सी बीएसएफ जवान बलजिंदर कुमार का पूरे सन्मान किया गया अंतिम संस्कार। पट्टी के खालसा दरबार भूरा कोना विखे ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के साबका प्रधान शहीद भाई अमरीक सिंह का जन्म दिहाड़े धार्मिक समागम करवा के मनाया गया। खालसा पंथ की शान का प्रतीक होले महल्ले का पावन दिहाड़ा इस बार 19 मार्च को श्री अनंदपुर साहब की पवित्र धरती उत्ते मनाया जाएगा। तखत श्री केसगढ़ साहब जी के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने संगत को वड्डी गिनती में पहुंच के गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करने की अपील की।